सारांश 2020 के अंत में BMW ने नए CE04 इलेक्ट्रिक स्कूटर का अनावरण किया, जिसे बाद में 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पेश किया गया। BMW CE04 को हाल ही में दिल्ली, भारत में पेश किया गया था। पहली बार लॉन्च होने पर यह भारत का सबसे महंगा इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन हो सकता है, लगभग 80 मील। हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके दिन का एक हिस्सा है, चाहे वह कैसा भी हो। इसके अलावा BMW CE04 की हाई वोल्टेज बैटरी अभी भी आपकी दैनिक गतिविधियों का समर्थन करने में सक्षम होगी, भले ही आप हमेशा यात्रा पर हों। इसकी अनुमानित 80 मील रेंज के लिए धन्यवाद, 75 मील प्रति घंटे। BMW विनिर्देशों के अनुसार CE04 की अधिकतम गति 75 मील प्रति घंटे तय की गई है, हालांकि मेरी परीक्षण इकाई 79 मील प्रति घंटे का संकेत दिए जाने तक सीमा तक नहीं पहुंची। यह जल्दी से आता है, खासकर यदि आप अधिक महंगे डायनेमिक राइड मोड पर स्विच करते हैं। 6.9 किलोवाट चार्जिंग आउटपुट को अधिकतम करने के लिए इसका उपयोग करें, जो आपके BMW CE04 को लगभग 65 मिनट में 0% से 80% तक चार्ज कर सकता है। 8.9 किलोवाट, 147.6 V, 60.6/8.9 kWh, 8.5 प्रयोग करने योग्य लिथियम आयन बैटरी, जो मूल रूप से 9 और i4 के लिए थी, स्कूटर को शक्ति प्रदान करती है। बैटरी से जुड़े पंखों वाली कूलिंग प्लेट की बदौलत हवा में गर्मी फैलती है। दो पहियों वाला BMW CE04 इलेक्ट्रिक स्कूटर ऐसा है जो जहां भी चलाया जाता है ध्यान आकर्षित करता है। भारत में BMW CE04 की कीमत 10.01 से 10.20 लाख रुपए के बीच है। आप बाइक जंक्शन पर BMW CE04 इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए नवीनतम और सटीक मूल्य सीमा की एक विस्तृत सूची पा सकते हैं। BMW CE04 का डायनामिक मोड एक विशेष सुविधा है, जो सवारों को अन्य तीन विकल्पों की तुलना में अधिक तेजी से गति करने देता है। यदि मोटरसाइकिल की क्षमता आपको आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो CE04 की बैटरियां 5 साल 40,000 किलोमीटर की वारंटी के अंतर्गत आती हैं।